सो हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि इंजीनियरिंग हो या टेक हो या नॉन टेक हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो तो बेटर है यार। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या रीज़न है। पूरा वीडियो पहले देखिएगा, तभी इस पे अनवांटेड कमेंट एंड ऑल द थिंग्स करिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, और पहली बार चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, देश में बेरोजगारी का आलम यह है। अभी चलो ताज़ा ताज़ा खबर देते हैं, कल की न्यूज़। हुआ क्या, मुंबई में एक 1800 के करीब में वैकेंसी निकली थी, एयरपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब थी। बेरोजगारी का आलम इतना तगड़ा था कि उसमें इंटरव्यू देने के लिए, उस 1800 वैकेंसी के लिए लगभग लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए। इतना उम्मीद नहीं थी, सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी, 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी। आज के ज़माने में मनरेगा में भी लोग कमा ले रहे हैं, मनरेगा में भी लोग इतना पैसा अर्न कर ले रहे हैं। लेकिन सोचिए ना, बेरोजगारी का आलम यह है कि 20 से 22 हज़ार के जॉब के लिए देश का युवा सड़कों पर भटक रहा है और परेशान है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सवाल है ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए, जिनको बहुत उम्मीदें थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर जाऊंगा, और क्रैक भी कर जाते। वक्त बीता, टाइम बीता, समय बीता, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आई। और वैकेंसी नहीं आई तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। समय बीतता चला गया, समय बीतता चल गया, आज वो 30+ के हो गए हैं, 30 साल प्लस के हो गए हैं, प्राइवेट जॉब में कहीं 10,000-15,000 की जॉब कर रहे हैं, ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। दिल में कहीं ना कहीं वो दिमाग में, दिल में वो बात हमेशा खटकती है कि काश वैकेंसी निकली होती तो मैं कर लेता, काश वैकेंसी निकली होती तो मैं कर लेता। अभी रिसेंटली यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, 60,000+ वैकेंसी थी, लोगों में इतनी खुशी थी, मुझे भी इतनी खुशी थी कि चलो इतनी वैकेंसी आई, देश के कुछ युवाओं को तो नौकरी मिलेगी। वो भी जो है पेपर लीक हो गया, वैकेंसी कहा था पता नहीं, नीट का पेपर लीक हो गया, ऐसे बहुत सारे हर स्टेट में, मैं तो यूपी का हूँ इसलिए यूपी को बता रहा हूँ, हर स्टेट में। अब मुंबई जैसी कहानी सोलो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा पे जॉब निकली थी, 3 साल के संविदा पे जॉब थी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए। इतनी ज़्यादा पब्लिक परेशान है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतना लोग परेशान है। तो ऐसे में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, अपनी स्किल पर काम करना चाहिए, चाहे आप बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, BA हो, BBA हो, BCA हो, MBA हो, कुछ भी किए हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको अगर वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, चीज़ें वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्री में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो यहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यहाँ पेपर लीक हो जाएगा, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ आपके अंदर स्किल होने की ज़रूरत है। आप जितने स्किल्ड होंगे, जितना आपको स्किल होगा, जितना आपका स्किल अच्छा होगा, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी यहाँ पे। और अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल उतनी उस लेवल की स्किल नहीं है, तो कहीं ना कहीं गाइस आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर आप वहाँ नहीं जा पाओगे जहाँ आपको जाना चाहिए। तो आई थिंक आपको सोचने का तरीका बदलना चाहिए। पैसा बहुत है, सरकारी से 10 गुना ज़्यादा पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री में, काम भी उसी तरह कराते हैं। अब तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट स्ट्रिक हो रही है, पंचिंग सिस्टम, कैमरे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट इंडस्ट्री में होते हैं। मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ, अपने प्राइवेट सेक्टर्स में ही काम करता हूँ, अपना खुद का काम करता हूँ, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती कि गवर्नमेंट जो अपना रूल लाए, वैकेंसी लाए या ना लाए। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का होता है कि 30 का युवा जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जब वो परेशान होते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मेरा एक सजेशन है, अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास टाइम नहीं है, वैकेंसी नहीं निकली, तो आप प्लीज़ प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करिए, ठीक है? और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे स्किल है। हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी क्लासेस हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, अगस्त से। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, AI डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, सरकारी में, प्राइवेट में, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बढ़ रहा है। तो आप लोग उस पर भी अगर इनरोल करना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।